गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रोनाउन है दो शब्दों से बना है, प्रो प्लस नाउन। कितने शब्दों से होगा? दो शब्दों से, प्रो प्लस नाउन। तो प्रो का पहले मतलब हम जानेंगे क्या होगा। प्रो मीन्स होता है फॉर, क्या होता है फॉर या इन स्टीड ऑफ। प्रो मीन्स फॉर या इंस्टेड ऑफ, और नाउन मीन्स क्या होता है? नेम। अब बाबू समझिएगा, फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए, नेम मीन्स नाम, यानी नाम के लिए जो आता है ना उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहेंगे? वो जो नाम के लिए आता है। और इंस्टेड ऑफ मीन्स क्या होता है? के बदले में। इंस्टेड ऑफ मीन्स के बदले में, यानी नाउन के बदले में या नाउन के लिए जो आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन किससे कहेंगे बाबू? हाँ बिल्कुल सही, जो नाम के बदले में आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन के लिए हुआ, अब आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे राधा इज ए गुड गर्ल, सी लव्स श्याम। यहाँ पे देखिए, वो राधा क्या है? किसी गर्ल का नाम है, और इस गर्ल के लिए क्या है? सी, राधा एक गुड गर्ल है, सी लव श्याम, वह श्याम से लव करती है। तो वह किसके लिए है? वह श्याम से प्रेम करती है। तो ये जो सी है किसके लिए है? राधा के लिए। तो जो भी राधा क्या है? नाउन है, और नाउन के जो बदले में आता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। बात समझे? और एग्जाम्पल देखिएगा, अमन इज ए सिंगर, He sings well. अमन एक सिंगर है, वह अच्छा गाता है। तो वह अच्छा गाता है कौन? तो अमन। तो ये अमन है, इस अमन के लिए क्या आया है? He, यानी नाम के लिए क्या आया है? He यहाँ पे, यानी he हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, और अमन क्या हो गया? नाउन हो गया। यानी इससे पता क्या चला बाबू? कि जितना भी नाम हो और उसके बदले में जो आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे हम कहें कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इट मेक्स अस हेल्दी। वॉकिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है, यह हमें हेल्दी बनाता है। तो यह किसके लिए है? वॉकिंग के लिए। तो इट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। बात समझ में आया वो कि प्रोनाउन किसे कहेंगे? जो नाउन के बदले, यानी नाम के बदले में जो आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउन के प्रकार। माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस 11 होते हैं। पहला, पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इम्फैटिक, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एक्सक्लामेटरी। ये आपके 11 प्रोनाउन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कॉमन एरर के साथ बताता चलूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। किसी भी एग्जाम में कॉमन एरर पूछा जाता है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन। माय डियर फ्रेंड्स, एक एक वर्ड का मतलब समझते चलिएगा, तो आपको डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, उसी से आपका डिफिनेशन बन जाएगा। देखिए पर्सनल, यानी ये पर्सन से बना है। तो पर्सन कितने होते हैं? तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इन्हीं को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। बात समझे बाबू? यानी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। और इसके बारे में कुछ की फैक्ट्स जानिए, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। ठीक, इसको आई, वी को फर्स्ट पर्सन, यू को सेकेंड पर्सन, और दे, ही, सी, इट को क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन। ट्रांसलेशन देखिएगा कि जैसे मैं, तुम और वह दोस्त हैं, यदि हमें इसको बनाना है तो हम यदि इसको बना दें कि आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, तो गलत है। गलत क्यों है? कि मैं, तुम और वह दोस्त है, पहले ये जाने कि दोस्त होना गुड सेंस है या बैड सेंस, दोस्त होना अच्छा है या खराब है? माई डियर फ्रेंड्स, दोस्त होना खराब नहीं है, यानी गुड सेंस है। तो गुड सेंस होगा तो वहां पे हम दो तीन इफ का सीक्वेंस चलाएंगे, यानी पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, तब थर्ड पर्सन, तब
फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। एग्जाम्पल समझ में आएगा, यू सेकेंड पर्सन यू, और उसके बाद हमें थर्ड पर्सन लिखना है, तो थर्ड में क्या वह है, तो वह का ही लिखेंगे एंड, अब तब आई लिखेंगे यू ई एंड आई, एक से तो ज्यादा है तो प्लुरल वर्ब लेगा आर टेंस, यू ई एंड आई आर टेंस। यदि आप इसका कोई भी इधर उधर करें तो गलत हो जाएगा, यानी जहां पे भी गुड सेंस की बात हो तो वहां पे हमारा सीक्वेंस क्या चलेगा, दो तीन एक। और यही पे बाबू यदि दोस्त के जगह पे, दोस्त के जगह पे हम लोग लिख दे, मैं लिख दूं कि चोर है, तो चोर होना कहने से किसी को इंसल्ट होगा, अपकर्ष होगा, यानी ये बैड सेंस है। तो जब बैड सेंस होगा तो वहां पे हमारा एक दो तीन का सीक्वेंस चलेगा, कैसा, एक दो तीन, यानी उस कंडीशन में हम बनाएंगे आई यू एंड ही आर थीव्स। अब हम यहाँ पे यू ही एंड आई आर थीव्स लिखेंगे तो गलत होगा। एक चीज और समझिए, यदि तीनों पर्सन प्लुरल हो तो उस कंडीशन में, प्लुरल होने पे तीनों पर्सन प्लुरल हो तो उस कंडीशन में हमारा सीक्वेंस चलेगा क्या, एक दो तीन का ही। जैसे हम कहें कि मैं की जगह पे बोले हैं कि हम लोग, तुम लोग और वे लोग दोस्त हैं, तो वहां पे हमारा एक दो तीन, क्योंकि तीनों क्या हो जा रहा है, प्लुरल हो जा रहा है, तो वी यू एंड दे आर फ्रेंड्स, दोस्त हैं, या चोर हैं तो भी वही बनेगा आई वी यू एंड दे आर थीव्स। बाबू एक बार और समझिए, गुड सेंस में होगा तो हमारा सीक्वेंस क्या चलेगा, दो तीन एक का, बैड सेंस में होगा एक दो तीन का, और यदि तीनों प्लुरल हो तो वहां पे हम एक दो तीन का ही सीक्वेंस चलाएंगे। इतना क्लियर हुआ, अब इसका कुछ थोड़ा सा और आगे जानी बाबू, ठीक है। जैसे आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है, यू का क्या, यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इटी होता है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम कहां पे इसका यूज करेंगे, यानी कहां सब्जेक्ट वाला और कहां पे ऑब्जेक्ट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए बाबू, जहां पे भी प्रीपोजिशन हो ना वहां पे ऑलवेज ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है, किसका यूज होता है, ऑब्जेक्टिव। जैसे हम कोई भी प्रीपोजिशन, जैसे टू, इन, इनटू, ऑफ, डाउन, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, किसी का एक यूज कर रहे हैं, जैसे टू लिखे, अब हमें यहाँ पे मी हो या आई क्या हम लिखेंगे बाबू, टू क्या है, प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होगा, गलत होगा। यानी एक कंसेप्ट हमारे क्लियर होगा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होगा। बात समझ में आया, जैसे हम कहे कि सी लुक्स एट हिम, एट देखिए प्रीपोजिशन तो हिम आया, हम ये नहीं कह सकते हैं सी लुक्स एट ही, तो क्लियर एक हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, पहला ये क्लियर। दूसरा एक चीज और देखिए, जहां पे भी लेट दिया हो, क्या दिया हो, लेट, तो उसके बाद भी हमें हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज होगा। और साथ साथ एक चीज और जानिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बाद हमेशा वी1 का यूज होगा, किसका यूज होगा, वी1 का। एक एग्जांपल समझना जाएगा, जैसे लेट और मी या आई, तो लेट के बाद क्या होगा, मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी सही होगा, आई क्या होगा, गलत होगा, और जो वर्ब होगा वो वी1 गो। यदि हम गो के बदले टू गो लिखें या वेंट लिखें, कुछ कोई भी वर्ब फॉर्म लिखें, तो गलत है। गो क्या है, सही है, यानी टू गो और वेंट क्या है, गलत है। यानी क्लियर क्या हुआ बाबू, कि लेट के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म वी1 आएगा। बात सुनेगा, लेट मी गो सही है, लेट आई गो या लेट मी टू गो या लेट मी टू वेंट क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट देखिएगा, जहां पे भी एज या सो हो या देन हो
और यदि तुलना सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से हो तो उस कंडीशन में एज, सो, देन के बाद हमेशा ये सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा? सब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे हम कहे कि ही इज एज टॉल एज सी या हर। अब देखिए ही इज एज टॉल, यहाँ पे एज एज है और तुलना किसका इसका? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हम सी हमारा सही होगा और हर क्या होगा? गलत होगा। यानी एज सो देन हो तो वहां पे हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज होगा, हर क्या होगा? गलत होगा। हम लिखे कि सी इज टॉलर देन ही या हिम। देखिए देन है और तुलना किसका? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से हो रहा है तो यहाँ पे भी हम ही हमारा सही होगा, हिम क्या होगा? गलत होगा। यानी एज सो देन के बाद में कौन सा फॉर्म आएगा? सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होगा, यानी ये ऊपर वाला। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखिएगा, जहां पे भी इट हो प्लस इज या वाज तो यहाँ पे यदि हमें प्रोनाउन भरना हो तो वहां पे हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज होगा। बात समझ? एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इट इज आई, हम मी लिखे तो क्या होगा? गलत होगा। ये इनफॉर्मल है कि हम बोल देते हैं इट इज मी, नहीं, स्टैंडर्ड है हमारा इट इज आई। या कंपटीशन में जब इट इज मी देगा तो वो कॉमन में देगा, वो गलत है। वहां पे होना क्या चाहिए था? इट इज आई, मैं ही तो हूँ, इट इज आई, मैं ही तो हूँ जो आपकी मदद करता हूँ। तो इट इज आई हु हेल्प्स यू, न कि इट इज मी हु हेल्प्स यू। यानी इट के बाद इज आवाज हो और वहां पे हमें प्रोनाउन चूज करना हो तो हम यूज क्या करेंगे? नोमिनेटिव फॉर्म का यूज करेंगे। बात समझ में आया? तो एक चीज देख लीजिएगा, जहां पे भी जिरंड हो, क्या हो? जिरंड हो, तो उसके पहले हम कभी भी पॉजेसिव फॉर्म का यूज करेंगे, नोमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। आई डोंट लाइक यू योर्स कीपिंग साइलेंट, आपका चुप रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबू देखिएगा, यहाँ पे कीपिंग क्या है? जिरंड है, यानी भी फोर को जिरंड कहा जाता है, आपको पता होगा। भी फोर को क्या कहा जाता है? जिरंड कहा जाती है, वो नाउन की भांति यूज हो। तो ये जिरंड है और जिरंड के पहले हमेशा कौन सा फॉर्म चाहिए? पॉजेसिव फॉर्म चाहिए। कौन सा फॉर्म चाहिए? पॉजेसिव फॉर्म। बाबू यू का नोमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है तो ये गलत है, और योर क्या है? पॉजेसिव है, और योर्स भी क्या है? पॉजेसिव। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं, पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये हमारा योर सही है, योर्स क्या है? गलत है। तो आई डोंट लाइक योर कीपिंग साइलेंट, आई डोंट लाइक योर कीपिंग साइलेंट, आपका चुप रहना मुझे अच्छा नहीं। यहाँ पे एक चीज आप बताइएगा, यदि ही देता, यहाँ पे हिम देता और हिज देता तो आप क्या करते? हाँ बिल्कुल सही, आई डोंट लाइक हिज कीपिंग साइलेंट। बात सुन जाए? एक चीज और